ये कोई हरी सब्जी, अच्छी सब्जी आप इसको खा के बता दो, यही मेरी कंप्लेंट है। बॉडी चेकअप में स्टील बॉडी निकली है पूरी। हाँ, देख लिया स्टील बॉडी निकली है ना। आँख में क्या निकला है? आँख में क्या निकला है? पालक खाते हो? सरसों खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए, घिया, तोरी, टिंडा। मम्मी आप जब तक हो ना, आप ये रोज बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे 12, मैं नीचे से जिम एक्सरसाइज सब कुछ करके आ चुका हूँ और घर में अभी यहाँ पे चाय नाश्ता ही चल रहा है। ये देख लो, नाश्ता हो गया है और नहा भी चुके हैं सब लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। पापा के सिर्फ बाल गीले लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आओ आओ चाय पी लो। क्या था वो? आओ चाय पी लो। मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगा चाय। आ जाओ ना, तो हमारे पास बैठो तो सही। सारे कपड़े मेरे गीले हैं। तो तुम इधर आ जाओ, मैं वहाँ जाती हूँ। हाँ तुम उधर जाओ। इन्होंने खाना खा लिया? साहब ने, देखो चूजों ने। कुछ पता चला इसको बिल्ली ने मारा है कि नहीं मारा है? मार तो इसको पड़ी है, बच गई है उसी दी है। आज भी सॉरी बोलने आई थी मुझे सुबह हैं। मार तो पड़ी है। तो ये जी मम्मी पापा के लिए एकदम गरम गरम फूली फूली रोटी बन रही है लंच के लिए। ये वाली नहीं रोटी, टूट गई अभी, वो वाली अभी तक फूली हुई है। उनको बोल दो खाने के लिए। मैं कह रही थी वहां, मम्मी आई गई। मम्मी चलो खाना रेडी है। मैंने कहा फोन पे, अरे मेरा फोन मिल ही नहीं रहा है ना। कहाँ खो गया? नहीं फोन लगता नहीं है, अपने कमरे में बैठी वहाँ भी नहीं लगा। मैंने पहले सोचा पराठा बनाऊं कि मैंने फिर रोटी बना दी। तो जी आज फिल्म देखते देखते और फिल्म छोड़ते छोड़ते बीच बीच में सारी रात हो गई है और मेरी मम्मी फिर से बना रही है घिया लौकी। घिया का दाल बना रही हूँ। अरे मम्मी उस दिन भी तो दाल ही थी, चना की दाल नहीं। तो ये रोज लौकी क्यों बना दे रही हो आप? हैं? अरे हमें पसंद है भाई, लौकी खाना चाहिए आपकी रोशनी, इसीलिए तो। अरे तो रोज कोई लौकी कैसे खा सकता है? रोज कहाँ खाए हैं, कब का खाए हैं? तो हर दूसरे दिन भी कोई लौकी कैसे खा सकता है? है ना पालक, भिंडी, गोभी, अभी खाएंगे। हे भगवान, तू खा के। इसमें लौकी है? हा? इसको उठा के फेंक दो खिड़की से बाहर। अरे अरहर की दाल भी है, टमाटर है उसमें, धनिया पत्ता है, वो सब लौकी में मिला दिया है। अरे बाप रे बाप, तड़का लगेगा। हे भगवान, उसके साथ क्या खाओगी? चावल। उसके साथ परवल खा लो और करेला है? मुझे सब चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया की अच्छी ना लगे। तो करेले का पराठा और परवल का अचार खा लो उसके साथ। पराठा नहीं, सब्जी खा सकते हैं, भरवा करेला खा सकते हैं, करेले की सब्जी खा सकते हैं। इतना पालक गठे जैसे, ये पालक की जो कूड़ा निकला है वो है उसमें से? नहीं पालक है, इतना ही मेथी है, साफ करके रखी है। हे भगवान, चटनी बनाने जा रहे हैं टमाटर की। पापा फिर से लौकी बनी है? लौकी नहीं है, फिर दाल में लौकी डाला है। तो बात तो वही है ना, नहीं। आलू में भिंडी डालो है, भिंडी में आलू है, तो आलू भिंडी ही। नहीं नहीं, वो तो बहुत थोड़ी सी घिया है और दाल में डल जाए, गल जाएगी वो। अरे ये तो बता दो, कच्चे केले की सब्जी कब बना के मार रही हो? निशा से बात किया तो खाएगी तू? अच्छा एक बार सब्सक्राइबर्स को भी बना के दिखा दो कच्चे केले की सब्जी, तो उन्हें भी पता लग जाए ये चीज कभी नहीं खानी जिंदगी में। नहीं मुंह से नहीं छूटेगा, इतना गंदा होगा। अच्छा होगा, बहुत टेस्ट होता है उसमें। मम्मी कच्चे केले की सब्जी कोई कैसे खा सकता? कच्चे केले की सब्जी कोई कैसे? आलू की सब्जी खाता है तू? आलू? हाँ हाँ, वैसे ही बनेगा। कटहल मिलेगा इस मौसम में? मिलता होगा, अभी तो पक गए कटहल। कटहल कौन से मौसम मिलता है? गर्मी में? हाँ कटहल का मौसम गया, अभी पका मिल रहा है, कच्चा वाला खत्म है, मतलब फल वाला। मुझे भी, मैं नहीं खा सकती। लौकी के ठीक ऊपर ही हिंगोली रखा है, क्या है वो? लगाने के लिए। अरे तो गलत डब्बे में गलत चीज रखोगी तो आदमी यहाँ कंफ्यूज होके कुछ खा लेगा। नहीं खाएगा, कोई कंफ्यूज नहीं। हे भगवान, नहीं, नहीं। जीरे को कोई हिंगोली समझ के खा गया तो क्या होगा? जीरा नहीं है, हिंग है। हिंग ही है ना तड़का के लिए। हाँ निशा कह रही है, मैं बोली हूँ कि घिया की दाल बना रही हूँ तो करी। अरे उस दिन भी तो घिया की सब्जी बड़ी लाल लाल बनाई थी, तो मैं बोली उसी का घिया थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, उसी को आज दाल में, अरहर की दाल में बना रही हूँ। वो घिया यूज कर दिया बचा हुआ? हाँ, इतना पीस था, वो सब्जी हो नहीं पाता। मुझे डर है कहीं कल से चाय में भी घिया ना डालने लगो कि बेटा थोड़ा चाय में घिया। रामदेव बाबा घिया का जूस पिलाते हैं सबको, तुझे क्या पता। तभी तो आग कमजोर हुई, नहीं खाया ये सब चीज, तो पता तो नहीं होती। देख खाई हूँ, वहाँ पापा घूम रहे थे, मैं यहाँ से देख के पहचान गई। और देख के बोली क्या हो? लपु झरना घूम रहे हैं। नहीं बावले जैसे घूम रहे हैं। कह रही खिड़की से देख के सुबह सुबह, वो देख तेरे पापा बावले जैसे घूम रहे हैं नीचे। अरे आओ आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ। घर में आज ऐसी सब्जी बन रही है जो आज से पहले कभी नहीं बनी। कौन सी? और पिछले एक हफ्ते में तो बिल्कुल नहीं बनी। लौकी। लौकी? हाँ। अरे लौकी खाएगा ये आज। मम्मी इसको लौकी खिलाओ। मम्मी उस दिन मेरे को बहुत टेस्टी लगी थी लौकी, सच बता रही हूँ। तुमने खाई नहीं लौकी? वही चने की दाल? नहीं नहीं, अरहर
की, ये दाल बनी है उस सब्जी में। तो दाल तो और अच्छा है, लौकी और लौकी पड़ी है, दाल में लौकी है लेकिन चने की नहीं है ना, वो चने की दाल तो मैं खाऊंगी, तो मैं खाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बनाई अरहर की, आई कैन हैव, मैं खाऊंगी दाल। अरे मुझे डर है कल से कहीं लौकी की आंख काट के देना देगी, चाय में भी डुबा के यही खा। अगर तू सच में सब्जी खाया होता, निशा की कमजोर हुई, नस्तालिका कमजोर हुई, क्योंकि वो मेरे साथ साथ। तो मैं कहाँ से कमजोर हूँ? चश्मा तेरे को चढ़ाना, अभी तक दो बेटियों को चश्मा। पापा आपको चश्मा चढ़ा है? पापा मुझे रीडिंग का है। रीडिंग का है तो इतना तो लग जाता है, मोबाइल में सब पढ़ लेता है। मैं मोबाइल वगैरह देखने के लिए नहीं चश्मा लगाता हूँ। हाँ। जब ज्यादा काम पे बैठता हूँ, लैपटॉप पे बैठता हूँ, तभी जरूरत पड़ती है। मुझे भी नहीं जरूरत, अदरवाइज दूर का ना, कम से कम मम्मी उतना दूर का बसों का नंबर मैं पढ़ लेता हूँ। एक बात बताऊँ, ये जो है ये कोई हरी सब्जी, अच्छी सब्जी आप इसको खा के बता दो, यही मेरी कंप्लेंट है। बॉडी चेकअप में स्टील बॉडी निकली है पूरी, देख लिया स्टील बॉडी। आँख में क्या निकला है? आँख में क्या निकला है? पालक खाते हो? सरसों खानी चाहिए, पालक खानी चाहिए, घिया तोरी टिंडा। मम्मी आप जब तक हो ना, आप ये रोज बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। करेला खाओ, यहाँ पे करेला टिंडा तोरी घिया केले कच्चे केले, कच्चा केला कच्चा पपीता, चम्मच से थोड़ी सी दाल खा लेना। हाँ नहीं चम्मच से नहीं मम्मी, आज खिलाओगे इसको। इससे अच्छा सौदा है कि कुछ पैसे कर्जा लेके आँख की सर्जरी करा ली जाए, आँख ठीक करा, लेकिन लौकी घिया ना खाए। तो वही तो किया करा तुमने, वही किया ना, लेकिन अब तो खा लो लौकी घिया आगे से बचने के लिए, जिसके पैसा नहीं होगा सर्जरी के लिए। चाय पे चाय पिला दो इसको। प्रतीक वाली कहानी हो गई, प्रतीक वजह से पहली लहर में उसको पॉजिटिव आया था, उसको हम काढ़ा लेते थे घर में, उसको भी पहले दिन काढ़ा दिया, कहता मुझे मार दो लेकिन मुझे काढ़ा मत दो। अब कुछ भी दे तो कहता है काढ़ा तो नहीं है। इसको मैंने कितना काढ़ा पिलाया है। पालक पनीर बनता है तो सारे पनीर छाट के प्रतीक खाता है, साग साग पालक पालक वो लोग खाते। मम्मी मैंने जिंदगी में इतनी पालक खाई है, इतनी पालक खाई है, ठीक है। हाँ मेरी मेरे को ग्लो है, मेरी मेरी आँख कमजोर नहीं है। नहीं इसकी आँख भी बहुत तेज है, ग्लो है, बाल एक भी नहीं पका है। एक बाल, एक बाल भी नहीं पका, एक बाल नहीं पका मेरा। लोगों के आ जाते हैं व्हाइट बाल, सही बात, थोड़े बहुत आते हैं, मेरा एक बाल जो सफेद निकाल के दिखा दो आप। तो इतना बल्कि नॉट बिकॉज ऑफ कलर हेयर, मेरे बाल बिल्कुल एक भी वो नहीं है तो कलर, बल्कि मेरे हैं एक दो, मेरे हैं एक दो सफेद, एक दो नहीं इसके 10-15 है। ये देखो एक भी नहीं है, मैं तो छू के देखती हूँ, एक कभी नहीं देखना लग रहा है जितना धारी बाबा। अरे एक भी नहीं है भाई, अरे लट्टा बना लट्टा लट्टा आज लट्टा अघोरी वाला। आज मैं कंघी करूँ तो मम्मी एक काम करो ना, रात को तेल लगा के चोटी बना दो। हाँ आप चेरी का करते हो? हाँ आज मैं करूंगी, मम्मी ने मेरे को चेरी बनानी। तो तुम सामने चेरी को बिठाना, तुम चेरी का करना, तुम्हारे पीछे मम्मी तुम्हारा करेंगी। तेल लगा के ना आज वो कर दो ना, चोटी कर देंगे तो बाल सीधी आ जाएंगे। रबर बैंड चेरी वाला लगा देना पतला, चेरी इसी के लॉट में खोल खोल कंघी कर लेगी। अरे सुनो आज भुज रिलीज हुई है, देखनी है। भिंडा आ गया, भिंडा मैं बुला रही थी, आप अंदर जा रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मी खाना बना रही है, मैं बच्चों को लेके पापा के साथ नीचे जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है आते हैं वापस, तब तक खाना ही बन जाएगा और फिर देखते हैं पिक्चर साथ में बैठ के। क्या बोल रहे हो आप? बॉल ले लो ये तो फटी हुई है, ये वाली ठीक है। तो जी इतना बुरा हो गया ना हमारे साथ, इतना बुरा हो गया है क्योंकि अभी भी मालूम पड़ा है कि बारिश आ रही है, नीचे बारिश आ रही है, नहीं जा सकते वो देखो। उसे कौन बताएगा कि बारिश आ रही है? यही बॉल फेंको ना, किचन में बॉल फेंको। पापा अब यही बैठ के 2 मिनट खिलाते हैं। चलो ये लिया। आज मतलब सारा का सारा खाना मम्मी के हाथ का है। ये देख लो जी दाल, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। तुम बेकार की बातें मत करो, सबसे टेस्टी होता है चलाने वाला। ये रहा चावल, मैं चाहती हूँ कि एक बार दाल आप लोग जरा दोबारा देखो। ये मेरी फेवरेट दाल है और लग भी जबरदस्त रही है। ये बनाया मम्मी ने यहाँ पे चावल, और ये रहा मेरी फेवरेट टमाटर की चटनी सरसों के तेल में। अगर आप लोग बोलोगे ना तो मम्मी को बोलती हूँ आपको रेसिपी बता देंगी, आप लोग घर पे बना सकते हो टमाटर की चटनी जो कि सरसों के तेल में बनती है। और वो कैसे बनती है अगर चाहिए तो मेरे को बता देना कॉमेंट्स के जरिए, तो मम्मी को मैं बोलूंगी कि ये रेसिपी बता दे आप लोगों को, है ना मम्मी?
बता पाओगी ना? बिहार वाले लोग खाते होंगे, यूपी बिहार वाले लोग तो खाते, बहुत लोग खाते होंगे आई थिंक, खाते सब बंगाली, सरसों का तेल जो है पड़ा है वो बंगाली और यूपी बिहार। बताते टाइम भूल तो नहीं जाओगी? कैसे भूल जाएंगे, रोज बनाते हैं, ज्यादा है ही नहीं। सीरियल से बताना है, जो काम पहले होगा उसको पहले बताना है, जो लास्ट होगा उसको लास्ट में। इन्हें बीच का शुरू किया, लास्ट का पहले आ गया, फिर शुरू वाला लास्ट में चला गया। ये बता देंगी पहले कि चटनी में नींबू डालना है जो लास्ट में किया? खा खाओ की खा लोकी खा लोकी खा भाई, खा के तो देखो लोकी खा, चमचा से मुंह में घुसे दूंगी फिर देखो क्या हुआ है। अरे दाल का टेस्ट तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लौकी मुंह में घुल मिला गई ना। अरे ये मम्मी इसको छोड़ो, ये तुम खाओगे अब, खत्म करो। लौकी लौकी निकाल लो इसमें से, लौकी मैं खा लेती हूँ, दाल ले लो। क्या हुआ? आप बहुत दिखा है। मैं खा गई, मैंने आज से ज्यादा खा लिया आज, पेट दिखा दूँ ना तो उसको धोने की जरूरत नहीं है, ऐसे खाई हूँ लेकिन तीखा। अरे खाना खाते है आइसक्रीम, यहाँ से धुएं निकल रहे हैं। अरे मम्मी एक्चुअली घिया निकाल दिया ना, तो मैं भी देखो दो कटोरी दाल खा गया हूँ, पसंद आई मेरे को भी। मैंने चावल और चटनी खाई है तो भूख तो। सच बताओ ना, ये जो अरहर की दाल में यहाँ जो टेस्ट आ रहा है, हाँ। ये बिल्कुल गांव का टेस्ट आ रहा है, हाँ। ये दिल्ली में भी नहीं ऐसा टेस्ट आता है, इतना बढ़िया बनिया। अंकल इतने दिन से जो भी खाना बन रहा है ना, आपको बता दूं आजकल सबसे बेस्ट है, सुपर हिट मामला। तो भैया शानदार लौकी वाली दाल खा के सब लोग आइसक्रीम चाबने में लगे हुए हैं। ये देखो पापा की कहाँ है? मेरी भी है। हाँ हाँ एकदम ठीक हो जाएगा सब। हेलो पापा, आपको मिलते हैं आप लोग, हम लोग क्या 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 ये ज्यादा खा लिए ना, तो उसके दिमाग पे चढ़ गई ये दाल। लोग सोचते हैं खाती नहीं है, मीठा मीठा वो खा लिया आइसक्रीम। मैं मंडे से डाइट कर लूंगी। जब मीठे टूट पड़ती है तो टूट पड़ती है, हमारे बिल्डिंग में लोग सोचते हैं कि बहुत परहेज करती हूँ। मैं करती हूँ बहुत करती हूँ, कभी कभी पागल, कभी कभी जब पागलपन का दौरा आता है तो मैं ऐसे करती हूँ। तो आ चुका है, आपको मिलते हैं हम लोग कल एक नए उम्दा व्लॉग में, तब तक आप ये उम्दा व्लॉग को देखो एंड डू लाइक शेयर कर। क्या कह रहे हैं? कभी 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 खाना चाहिए। Do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Sambhavna Seth Entertainment. अब बोलो, अब बोलो क्या कह रही थी मैं? कभी 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 खाना चाहिए, जिंदगी में मजा लेना चाहिए। हाँ, है ना, जुकाम में जिंदगी के मजे लेने हैं। सुबह से एलर्जी पड़े हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। एलर्जी हुई थी सिट्रिजन के बाद, अब आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम के लिए इतना रो रही है मम्मी, बहुत रो रही है, आइसक्रीम नहीं मिली है उसको। सब लोग खाने के चक्कर, तीखा था ना खाना तो सब लोग फटाफट खा गए। अब चेरी के लिए दोबारा आइसक्रीम आ रही है, मंगवाई है। अच्छी खाएगा तो बड़ा टेंशन है, चेरी को याद रखना पड़ेगा। अरे रो रही है मम्मी, बैठ के बाप रे देख लो, जरा देख लो आइसक्रीम नहीं मिली है, ऐसे आइसक्रीम निकाले। बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। चेरी आएगा, चेरी उतर, चेरी आएगा, अभी आएगी आइसक्रीम, आइसक्रीम आ रहा नीचे उतर, आइसक्रीम खानी है ना।